ये देखो, फिर यहाँ पे स्ट्रिपल किया जाता है इसे। और ये किस चीज़ की दवाई है? फ्लाई किलर। हाँ, फ्लाई किलर है ये। जखर दी, जखर जखर इकराम जखर सेंटर। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमर अकबर सरकानी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। माशाल्लाह पीछे आप देख सकते हैं कि सूरज अभी निकल रहा है और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यार तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड चेंज किया हुआ था और फिर मैं यही भी भूल गया था कि मैंने मोबाइल का पासवर्ड चेंज किया हुआ है। और ये 3-4 दिन मैं मोबाइल को यूज़ करता था और फेस से अनलॉक कर देता था और या फिंगरप्रिंट से, लेकिन कल रात किसी वजह से मोबाइल को रिस्टार्ट करना पड़ा। तो जैसे ही रिस्टार्ट हो गया, फिर वो पासवर्ड मांग रहा था और मुझे पासवर्ड याद नहीं था। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद भी मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं आया, तो फिर मजबूरन वो दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ा वो मोबाइल को रिसेट करने का, जिससे वो सारे पासवर्ड चले जाते हैं। तो जैसे ही मैंने मोबाइल को रिसेट किया तो उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे उसका सही तरीका नहीं आ रहा था। तो बस मैंने स्टार्ट कर लिया और बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगा। जब रिसेट हो गया तो मोबाइल को देखा तो कुछ भी नहीं था, मोबाइल में सारे ऐप्स डिलीट हो गए थे, हत्ता कि YT स्टूडियो, यूट्यूब, सारी चीज़ें, बिल्कुल सारे अकाउंट्स चले गए थे। और जब गैलरी चेक की तो गैलरी में एक पिक्चर भी नहीं था, ना वीडियो थी। तो कल वाला व्लॉग भी उसमें चला गया, जो कि अभी मैंने अपलोड करना था सुबह के टाइम, लेकिन वो चला गया। और उसके अलावा दो अलग एक्स्ट्रा व्लॉग्स थे, वो भी चले गए। और ये एक्स्ट्रा व्लॉग्स मैं इसीलिए बनाता भी हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ भी है कि किसी टाइम भी इमरजेंसी आ सकती है। तो ये तो अच्छा हुआ कि लैपटॉप में मेरे पास एक्स्ट्रा व्लॉग्स पड़े थे, 2 या 3 थे, लेकिन लैपटॉप गाँव में है और यहाँ पे नहीं है। तो मैंने सुबह सुबह अपने भाई को फ़ोन किया कि जाकर लैपटॉप में चेक करो कि व्लॉग है या नहीं। तो उसने चेक करके मुझे कहा कि हाँ, 3 व्लॉग्स इसमें पड़े हुए। तो फिर मैंने उसे कहा कि आप वहाँ से अपलोड करें। और मेरे भाई के पास भी मेरा चैनल अक्सर टाइम उसके पास खुला हुआ होता है, तो उसने चैनल ओपन किया और उस और अपलोडिंग पे लगा दिया है। तो अभी व्लॉग अपलोड हो जाएगा, तो इंशाल्लाह दिन बिल्कुल भी मिस नहीं हो जाएगी और व्लॉग अपलोड हो जाएगा। लेकिन खैर ये होता रहता है, तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए फिर एहतियात करेंगे, पासवर्ड नहीं भूलेंगे। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग शुरू करते हैं, पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। अच्छा तो गाइस, आज ना गाड़ी है और ना बाइक है और टाइम भी लेट है बहुत ज्यादा, और आज हम जाएंगे रिक्शे में। और आज हमारे साथ ले जाते हैं, और माशाल्लाह ये देखो ना कितना तेजी से जा रहे हैं। हमारी मजबूरी को 50 पायलट मोड तक कहना बोलेगा। और अगर आज हम लेट गए तो गेट बंद होगा और हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे, फिर हम घूमें। चलिए गाइस, अभी चलते हैं जल्दी से। आपने देख लिया ना, हमें नहीं छोड़ रहे थे, बाहर सिक्योरिटी गार्ड हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। अभी हम अंदर आ गए, अच्छा तो गाइज इस टाइम छुट्टी हो गई है, क्लासेस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आज बिलाल के पास गाड़ी नहीं है और मैं गांव जा रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने मलाकंड चौक जाना है, तो मैं रिक्शे में बैठ के जा रहा हूँ। वो लोग पीछे अभी कॉलेज से निकले भी नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में, तो इसीलिए मैं उनसे पहले जा रहा हूँ। और मैंने खलील प्लाजा भी जाना है, वहाँ थोड़ा सा काम है वो भी कर लेंगे। तो आइए चलते हैं। अच्छा तो गाइस इस टाइम मैं डायरेक्ट अपनी दुकान आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी मास्क पड़ी और मेरा बैग और कपड़े यहाँ पे पड़े थे, तो कपड़े मैंने पहन लिए और यहाँ से अभी बैग उठा के मैं जा रहा हूँ। तो खलील प्लाजा अभी मैं नहीं गया हूँ, देखते हैं अभी खलील प्लाजा पहले चलते हैं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह काठलंग जाऊँगा और काठलंग बाज़ार से नुमान भाई के साथ गाड़ी में बैठ के अपने गाँव जाऊँगा। तो आइए अभी यहाँ से निकलते हैं। आए खुदा खैर, देखते हैं, अगर टाइम ना मिला तो फिर मैं फ़ौरन जाऊंगा, अगर टाइम मिला तो खलील प्लाजा जाएंगे, वहाँ पे अपना काम कर लेंगे।
अच्छा तो गाइस इस टाइम मैं अपनी दुकान से निकला, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो डायरेक्ट काठलंग चलते हैं। आइए, बस टाइम नहीं है यार, चलते हैं फौरन यहाँ से। मेयर अकबर इस्कंदर राजा लगता वेलकम टू काठलंग। तो गाइस अभी मैं अपनी दुकान पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे गोदाम में लड़के काम कर रहे हैं। देखो पैकिंग जारी है इस टाइम, पैकिंग कर रहे हैं। और यार अभी हमारे एक दोस्त भी आ रहे हैं स्वाद से, तो उसका भी इंतज़ार कर लेंगे। दाऊद स्वाद से आ रहे हैं, तो उसका वेट कर लेंगे थोड़ा, इंशाल्लाह भी पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ से गाँव जाएंगे। अभी आपको ये ज़रा ये शॉट दिखाते हुए इसका, ये किस तरह से पैकिंग की जाती है इसकी। ये देखो, फिर यहाँ पे स्ट्रिपल किया जाता है इसे। और ये किस चीज़ की दवाई है? फ्लाई किलर। हाँ फ्लाई किलर है ये, जखर दी जखर जखर इकराम जखर सेंटर। ये लड़का काना काने चला गया था, और इकट्ठे इकट्ठे ना अकेले गए, इसने काना का लिया वाले को मत सुधर पड़ा ना ना, बस वो खा ना, बस खाले को खुली दा से हमारा हो गया, दा खाले पना रख ली मां का हमारा तो पना रे वो खा तो पना रे दे दे कोई का हमारा हो गया रोटी और का अंदर आ मौका रहा तो शने चेहरा रख ली दा उसके बोल मैं रख नस कम हुई वाले उसका बजूर हजमत रोटी और मां देर रोटी हां मैं लगे सस्ता हूं। गाइस इस लड़के को अभी सर्दी लग गई है, और सर्दी की वजह से एक काम रहा है, काम पे टांग रही है इसकी। तो अभी ऐसा है कि दाऊद अभी मोटर पे चढ़ गए हैं, वो चक्कर में है, और इंशाल्लाह बस बहुत जल्द वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो खैर अभी हम उसको पिक करेंगे और फिर गाँव जाएंगे, तो व्लॉग को यही भी ख़त्म कर देते। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपने भाई मेरे को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।